हेलो फ्रेंड्स तो अभी जो आपने वीडियो देखा वो बुर्ज खलीफा का है जो दुर्गा पूजा के लिए जो पैंडल बना है जो बहुत ही फेमस है बहुत दिनों से चर्चे में था तो आज हम लोग उसका देखेंगे पूरा फुल वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको ये पंचमी के दिन का वीडियो है पंचमी के दिन मैं निकली हूँ और यहाँ भीड़ आप देखेंगे कितनी भीड़ है तो यहाँ मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ लेक टाउन से आप अंदर जाते हैं तो यहाँ से अब पहले थोड़ा फोटो सेशन वगैरह भी करके फिर फोटो खींचते हुए लाइटनिंग देखते हुए फिर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ का पूजा हमेशा चर्चा का विषय रहता है हमेशा सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे यहीं देखने को मिलता है तो बहुत लाइन बहुत भीड़ है तो इतनी लाइन तो मैं नहीं लगा पाऊंगी तो इसलिए मेरे एक स्टूडेंट ने पीयूष ने वीआईपी पास का इंतज़ाम कर दिया जिससे कि हम लोग साइड से इतने इतनी भीड़ में नहीं जाकर साइड से हम लोग जा पा रहे हैं पीयूष ने जो वीआईपी पास अरेंज किया तो इस वजह से हम लोग साइड से जा रहे हैं इस पास पे चार आदमी जा सकते हैं एक बार में तो हम लोग इधर से जा रहे हैं देख रहे हैं आप भीड़ कितने लोगों को बंद करके रखा है फिर धीरे धीरे और लोगों को वो लोग छोड़ते हैं पूजा इंजॉय करने के लिए लोगों लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये देखिए इनको छोड़ा गया तो ये आगे और के फिर आगे जा रहे हैं लाइन में आगे हो जाएं फिर वहाँ लाइन में आगे होकर फिर उनको वेट करना है तो एक पूजा को आपको घूमने के लिए सिर्फ बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आपको फुल नाइट लाइन में रहना है हम लोग इधर साइड से जा रहे हैं ये सब पीयूष की वजह से हुआ थैंक यू पीयूष जब स्टूडेंट डॉक्टर टीचर या फिर आई ऑफिसर जो भी बनता है तो लगता है हम बन गए हैं और जब स्टूडेंट अगर फेल भी होता है तो ऐसा लगता है कि टीचर्स फेल हुए हैं तो जो भी अगर सक्सेस होते हैं जो भी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज मेरे लिए वी पास अरेंज किया गया तो टीचर्स तो लगता है हमेशा स्टूडेंट के लिए वी होते हैं मैंने तो प्लान किया था कि इतनी भीड़ होगी तो मैं तो नहीं जाऊंगी भले मॉर्निंग के टाइम कम भीड़ में देख लूंगी लेकिन अरेंजमेंट हो गया तो सेम डे हम लोग निकल गए मैं इसी दिन पंचमी के दिन हम लोग जा रहे हैं तो पंचमी में आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है तो अष्टमी नवमी के दिन पता नहीं क्या होगा इतनी भीड़ को देखकर लगता है कि कोलकाता में कितने बाहर से भी लोग पूजा घूमने आते हैं लगभग इंडिया के हर जगह से हर कोने से यहाँ लोग आते हैं पीयूष का काम बढ़ गया वीआईपी पास अरेंज करने के बाद तो फोटो भी खींचना पड़ रहा है बेचारे को कैमरा मैन भी बना दी <laughs> पूजा के टाइम बेचारे पुलिस वालों की भी ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है उन्हें भी दिन रात बहुत मेहनत करना पड़ता है तो वो हमें पूजा अच्छे से घुमा पाए हम लोग सही से रहें इसके वजह से वो अपनी फैमिली को पूजा नहीं घुमा पाते उन सारा दिन फुल डे इनको फुल नाइट ड्यूटी करनी पड़ रही है लोग चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं तो ये तो आप देख रहे हैं ये वी की लाइन है इसलिए भीड़ नहीं है बाकी जगह और भी भीड़ है और वी पास में भी जगह जगह पर आपका पास चेक किया जा रहा है ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल कर आ गए या फिर एक बार बच गए तो सोचे निकल गए जगह जगह पर आप फिर पुलिस वाले चेक कर रहे हैं पास सही है कि नहीं कितने लोग हैं काउंट करके कि कहीं ज़्यादा लोगों को तो नहीं ले जा रहे हैं यहाँ से भीड़ देख रहे हैं यहाँ से सारी लाइन कॉमन हो जाती है क्योंकि हम लोग पैंडल के पास पहुँच गए हैं तो जैसे भगवान के पास मरने के बाद सब बराबर तो वैसे ही यहाँ पहुँचते पहुँचते सारे पास सब कुछ भीड़ बराबर तो लेकिन ये पैंडल हैं कितना खूबसूरत है इसका कलर चेंज होते जा रहा है कभी रेड कभी ब्लू सुबह में ऐसे आप देखेंगे तो पूरा व्हाइट लगेगा लास्ट में मैं सुबह का वीडियो आपको दिखाऊंगी जो दुर्गा माँ की भी मूर्ति है उसमें जो ज्वेलरी जो गोल्ड वग़ैरह चढ़ाया जाता है पहनाया जाता है वो भी एकदम प्योर गोल्ड प्योर डायमंड ये सब का होता है तो यहाँ देख रहे हैं भीड़ ज़्यादा टाइम हम लोग फोटो नहीं खिंचवा पाए तो पैंडल से दूर अब साइड में फ़ोटो लेना पड़ रहा है काफ़ी भीड़ थी और ख़ासकर जो जो वॉलेंटियर्स थे वो जल्दी 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 कर रहे थे लेकिन जो बाकी सब ठीक थे लेकिन एक दो लेडी वॉलेंटियर्स थी वो लोग कैमरा के पास कैमरा ढक दे रही हैं फ़ोटो नहीं लेने दे रही हैं हटिए है, जाइए जल्दी हटिए इस तरीके से तो यहाँ अब घूमने के बाद थोड़ा खाने पीने की तैयारी हो रही है इसका नाम मुझे क्लियर नहीं पता शायद कुल्फ़ी टाइप ही कुछ बस ठंडा आइसक्रीम जैसा ही है तो अभी हम लोग वो खाएंगे ये लेक टाउन का वॉच जो दिख रहा है एकदम पूरा इंग्लैंड बन गया है कोलकाता यहाँ थोड़ा फुचका वगैरह खाया जाएगा ये वॉच टावर के पास और जितने सेल्फी फोटोज देखना है तो आप लोग जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जिससे कि न्यू न्यू अपडेट्स और पूजा के भी फोटो जो मैं डालूंगी वो आप देख पाएंगे तो यहाँ निकल के लोग रिलैक्स कर रहे हैं खा पी रहे हैं यहाँ भी भीड़ है लेकिन उतना धक्का नहीं है उतना भीड़ नहीं है तो हम लोग भी यहीं निकल कर थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं थोड़ा खाना पीना ये यह सब यहाँ बबल्स देखिए बबल्स बहुत सारे उड़ा रहा है उसमें मुझे पिक्चर्स लेना था मेरी सिस्टर को भी लेना था तो मुझे लगा बबल्स बंद ना कर दे लेकिन हमने नहीं ख़रीदा या फिर जो नहीं भी खरीद रहे हैं फिर भी वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं ऐसा नहीं कि खरीदें तो ही वो बबल्स ये कर रहा है मुझे तो बबल उठते हुए बहुत अच्छे लगते हैं तो मुझे लगा जब मेरा फोटो का टर्न आया कहीं बंद ना हो जाए लेकिन वो आदमी कंटिन्यू मेरे फ़ोटो के लिए कर रहा था तो आई एम वेरी हैप्पी आई वॉज़ वेरी हैप्पी बबल्स के साथ ही मेरे बहुत सारे पिक्चर्स आए बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आए ये देखिए अब यहाँ से पिक्चर्स लेकर घूम कर आज का दिन बहुत इंजॉय रहा तो इसको कंप्लीट करके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सभी अपने अपने रास्ते तो अभी तो बुर्ज खलीफा के पास जो पैंडल है उसमें तो दिन में भी बहुत भीड़ है लेकिन रात में तो और ज़्यादा ये दिन का जो है वो बहुत पहले लिया गया था पंचमी तृतीया के ही पहले लिया गया है तो आपको यहाँ थोड़ा खाली दिख रहा है अच्छे से आप वीडियो ले पा रहे हैं पिक्चर्स ले पा रहे हैं ये देखिए माँ की मूर्ति दुर्गा माँ की जो, जो मैं नहीं क्लोज़ कर पाई कैमरा भीड़ में नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया पूरा दिखाया आई थिंक आपको बहुत इन्जॉय मिला होगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच फॉर व्यू